थे तो वो कैंप लगाने को बोल रहे थे। जो एग्ज़िबिशन लगाया गया है, ये एग्ज़िबिशन है राव माधो सिंह म्यूज़ियम ट्रस्ट और प्रैट इंस्टीट्यूट लैंड्स ऑफ ट्रस्ट टीम के कोलैबोरेशन में ये एग्ज़िबिशन लगाया गया है। ये एग्ज़िबिशन कोटा महिला बुनकरों के लिए है, उन्हें हाईलाइट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उनके जो कारीगर हैं कितना काम करते हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है कोटा डोरिया बुनने का। स्टार्ट टू फिनिश पूरा प्रोसेस दिखाया है हमने इस एग्ज़िबिशन में, और एक पॉपअप शॉप जो है हमारे पीछे यहाँ पे सेल्स भी किया है उनका, और ये महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी आए और इसे देखें और इसे इसका आनंद लें। धागे एक निकालने, तो एक एक धागा निकालने के लिए मतलब कितना डिफ़िकल्ट होता है प्रोसेस, वो आप यहाँ आकर बात भी कर सकते हैं बुनकरों के साथ। एक साड़ी बनने में लगभग एक महीना लग जाता है, और भरी से भरी साड़ी बनाने में बिल्कुल 3 महीने तक लग जाता है, और एक वीवर एक ही लूम पर एक ही टाइम पर बैठ सकता है, तो इतना काम लगता है। और 11-11 घंटे ये लोग ये सारी महिला बुनकर अपने घर में बैठ कर बुनते हैं ये साड़ियाँ, भरी से भरी डिज़ाइन, और उसी साथ ही साथ अपना हाउस होल्ड भी चलाती हैं, मतलब बच्चे की देखभाल सभी चीज़। So I'm Alexandra Anisman from Pratt Institute, New York. Today we are here with the Women Cota Doria Women Weavers with the exhibition here, and it wouldn't be possible without this museum space. So thank you. The women have been brilliant and working with us for the past 6 months now. Over WhatsApp, over video, to really understand their needs and understand what they need in community engagement. So today we brought them in the space, and we're here able to interact with the public. The weavers are able to interact with the public in order to gain exposure and gain an understanding of their story from start to finish. And the sir, वो design के ऊपर depend करता है। एक साड़ी बनाने में अगर आप design का साड़ी बनाओगे तो कम से कम 2 महीने से 3 महीना लगता है, और अगर जैसे प्लेन साड़ी चाहिए, प्लेन साड़ी बनाने के लिए 15 से 20 दिन लगता है। तो डिज़ाइन के ऊपर डिफेंड करता है साड़ी, तो कितने दिन में बनती है, कितने दिन में नहीं बनती है। तो डिज़ाइन आप लोग खुद चूज़ करते हो या आप लोगों के पास आता है? हाँ, जैसे खुद भी चूज़ करते हैं, और बाकी अदर्स जो ऑर्डर देते हैं तो उनकी डिज़ाइन होती है, तो वो डिज़ाइन भी हम बना लेते हैं। वो कितने बुनकर आप लोगों का हेल्प करते हैं? एक साड़ी बनाने में कम से कम 18-20 लोगों का हाथ लगता है, तब जाके कोटा डोरिया साड़ी तैयार होती है। कितना अच्छा लगा है आपको यहाँ पे एग्जीबिशन? यहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा है, हमें यहाँ पे आए, मतलब हाँ इतना सपोर्ट मिल रहा है, और मतलब यहाँ आके हमें यह भी पता चल रहा है कि कोटा के अंदर भी इतना कोटा डोरिया पहनने वाले इतने मतलब इच्छुक हैं। हमें पहले पता नहीं था कि हम यही सोचते थे कि कैथून में बनता है कोटा डोरिया, लेकिन कोटा में कहाँ बिकेगा और कौन इतनी महंगी साड़ी पहनेगा।